नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र, आपका इंडिया एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, जो आपके फाइनल ईयर के एग्जाम है उसका आपका डेट आ चुका है, उसका पूरा टाइम टेबल आ चुका है। तो पूरा टाइम टेबल क्या है सभी कोर्सों का मैं बताऊँगा। यूजी के जिसमें आपके फाइनल ईयर के कोर्स रहेंगे सभी उनका आया है, और एलएलबी के जो आपके और बीएलएलबी के आपके जो सेमेस्टर एग्जाम है उनका आपका इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा। टाइम टेबल क्या है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको अपना आंसर अपलोड करना है, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जो आपका फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और लास्ट सेमेस्टर की एग्जाम है, तो वो कैसे देंगे पूरा डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा। एक ही वीडियो में आपका टाइम टेबल और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताऊंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंतिम ईयर के स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा लास्ट तक देखिए। और देखने वाले अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के एग्जाम देंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए तो आप आगे देखते हैं, पूरा डिटेल में देख लेते हैं इसका टाइम टेबल और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सभी देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपके लिए, निर्देश दिए गए हैं सभी कैंडिडेट के, वो इंपॉर्टेंट सभी पढ़ने हैं। ठीक है, पहला आपका निर्देश है ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 19-20 के लिए जो आपका हो रहा है वो आपका दो शिफ्ट में होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, पहली शिफ्ट आपकी 10 बजे से सुबह 2 बजे तक रहेगी। आप यहाँ देख सकते हैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आपका पहला शिफ्ट का आपका एग्जाम होगा, और सेकंड शिफ्ट आपकी 1 बजे से 5 बजे तक होगा। 1 बजे से 5 बजे तक आप सेकंड शिफ्ट में एग्जाम देंगे। तो देख सकते हैं 2+2 4 घंटे का समय आपको मिलेगा। 2 घंटे में आपको अपना आंसर लिख के आपके स्कैन करके आपको लिखने रहेंगे। 2 घंटे आपको लिखने का मिल रहा है, 2 घंटे आपको स्कैन करके अपलोड करने के लिए समय दिया जा रहा है। 4 घंटे में आपको लिखने से लेकर स्कैन तक का अपलोड करने का समय, पूरा 4 घंटे समय दिया जा रहा है। 10 बजे से 2 बजे के बीच में जो मॉर्निंग शिफ्ट के हैं, जो पहली शिफ्ट के स्टूडेंट वो अपना आंसर लिख के अपलोड करेंगे, और सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट 1 बजे से 5 बजे तक करेंगे। कैसे करेंगे वो भी आगे बताऊँगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड ऑन ए यू वेबसाइट। 10 बजे आपका जो पहली शिफ्ट रहेगा जो उसका एग्जाम है उसका आपका 10 बजे आपका क्वेश्चन पेपर पहले शिफ्ट का 10 बजे अपलोड किया जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। आगे देख लीजिए सेकंड, और सेकंड आपका जो सेकंड शिफ्ट का आपका एग्जाम वो 1 बजे आपका अपलोड किया जाएगा। सेकंड शिफ्ट के जो आपका एग्जाम है वो 1 बजे अपलोड किया जाएगा, उसका क्वेश्चन पेपर वो भी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। आगे देख लीजिए, स्टूडेंट नीडेड टू डाउनलोड द पेपर फ्रॉम साइट, ये साइट दी गई, इससे आपको जितने भी स्टूडेंट हैं सब जो अपना एग्जाम देंगे, अगर उनका उस स्टेट में आपका एग्जाम है तो आपको इस साइट से आपको डाउनलोड करना है। ये साइट अभी नहीं चल रही है आप देख सकते हैं, लेकिन ये साइट आपकी जब आपके एग्जाम होंगे तो काम करने लगेगी। तो देख सकते हैं आपको इस साइट को नोट कर लेना है, यहाँ से पूरा इसको आपको अच्छे से, क्योंकि ये नई साइट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो देख सकते हैं। तो इस पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसी पर आपको आंसर अपने अपलोड करने रहेंगे। ठीक है, जिस भी कोर्स और सेमेस्टर के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसी को आपको क्वेश्चन आपके डाउनलोड करने, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंश्योर डैट यू हैव सेलेक्ट द करेक्ट कोर्स सेमेस्टर एंड द क्वेश्चन पेपर, कह रहे हैं ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आप जो भी कोर्स या आपका सेमेस्टर का एग्जाम है वो उसी का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, उसी के आंसर लिख रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे टाइम टेबल हम बताएंगे। आपको जो आंसर लिखने हैं वो आपको A4 साइज पेपर है, जो आंसर शीट उस पर लिख सकते हैं, जो आपकी कॉपी है उस पर लिख सकते हैं, लाइनिंग वाले पे लिख सकते हैं, और आप ब्लैंक पेपर भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई मेंशन नहीं किया कि आपको लाइनिंग वाले पे लिखना है, ब्लैंक पेपर भी लिखना है, तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप लाइनिंग वाले पे लिखिए, उस पर आपको ऊपर स्पेस मिल जाएगा इस तरह से, ऊपर यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, सब चीज़ें आपको लिखनी रहेंगी। तो आपको ब्लैंक पेपर में हो सकता है आप आंसर लिखते लिखते अगले पेज पर पहुँचा तो भूल जाए, क्योंकि हर पेज पर आपको अपना नाम, रोल नंबर और जो इंपॉर्टेंट डिटेल है आपको लिखनी है, तो आप लाइनिंग वाला पेपर यूज़ करिए। अगर इससे पहले आप लाइनिंग वाले पे लिखते आ रहे हैं तो वही यूज़ करिएगा। यहाँ कोई भी मेंशन नहीं किया कि आपका लाइनिंग पेपर होना चाहिए या ब्लैंक पेपर होना चाहिए, ब्लू या ब्लैक आपको पेन यूज करना है। ठीक है, तो देख लीजिए, और जो आपको सबसे जो आप जिस सीट पे लिखना है क्वेश्चन पेपर जो भी आपका है उस पे आपके सबसे ऊपर जो आपका क्लास का रोल नंबर है देख लीजिए, राइट द क्लास, सबसे पहले आपको किस क्लास का आप एग्जाम दे रहे हैं वो लिखना है। आप थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर लिखना है साथ में, और सेमेस्टर आपको लिखना है, अगर सेमेस्टर है तो क्लास लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, पेपर रोल नंबर पेपर लिखना है आपका, किसका पेपर है आपका, जो आंसर लिखना है वो कौन सा पेपर है, रोल नंबर आपका क्या है, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर क्या है आपका यूनिवर्सिटी का, आपके एनरोलमेंट नंबर वो आपको लिखना है। तो इतनी डिटेल आपको ऊपर हर पेज पे आपको लिखनी है, देख लीजिए ईच पेज, तो हर पेज पे आपको लिखनी है। आगे देख लीजिए, ईच पेज ऑफ द आंसर सीट शुड हैव पेज नंबर डिनोटिंग ऑर्डर एंड नंबर ऑफ पेज, ये कह रहा है हर पेज पे आपको नंबर देना होगा, जैसे पहले पेज पे आपका 1 तो दूसरे पेज पे आपको 2, मतलब पेज नंबर आपको हर पेज पे डाले रहेंगे। ठीक है, इससे उनको आपको अगर आंसर चेक करना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सब आपके लाइन से रहेंगे, अरेंज रहेंगे। आप कोशिश भी करिए जब आप स्कैन करो तो सब लाइन से ही रहें, अरेंज रहें, जिससे कि कोई परेशानी आपको आंसर चेक करने में नहीं रहेगी। जो भी आपका एग्जामिनर आंसर चेक करेंगे तो वो कंप्यूटर से देखेंगे तो उन्हें कोशिश करके हैंड राइटिंग आपकी थोड़ी साफ़ हो, क्योंकि हैंड राइटिंग साफ़ होने से आपका बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप स्कैन करेंगे तो उसको थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसको आपके लिए
स्कैन करना रहेगा और हर हर एक पेज पे आपको पेज नंबर डालना रहेगा। पहले पेज पे पहला पेज नंबर, दूसरे पेज पे टॉप पे इधर कोने में आप कार्ड डाल सकते हैं, पेज नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हर पेज पे एक नंबर डालिएगा। आगे देख लीजिए, वंस द स्टूडेंट हैज अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ही सी हैज टू स्कैन द ऑल रिटन पेजेस ऑफ द आंसर शीट इन द सीरियल ऑर्डर। देखो जो मैंने अभी बताई थी कि आपको सीरियल ऑर्डर में ही आपको अपने जो आपके आंसर है वो आपको स्कैन करने हैं, जो आप लिखे हैं, तो कह रहा है जो भी आपको आपने आंसर लिखे हैं उनको स्कैन करना है और एक सीरियल ऑर्डर में ही हर स्टूडेंट को आपको स्कैन करके जो सही ऑर्डर उसका उसी ऑर्डर में स्कैन करके आपको अपलोड करने रहेंगे। आगे देख लीजिए, द स्कैन डॉक्यूमेंट कवर्ड इन टू द पीडीएफ फाइल, जो आप स्कैन करेंगे उसका आपको पीडीएफ फाइल बनानी है आपको अपलोड करने से पहले, उसका आपको नाम देना है, ठीक है। तो नाम देना है स्टूडेंट, देख लीजिए यू रोल नंबर रहेगा आपका, पेपर कोड रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स यू रोल नंबर रहेगा, सबसे पहले आपका पेपर कोड रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपका ये है आपका रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और आपका पेपर कोड ए है, तो देख लीजिए फाइल नेम आपका हो गया, सबसे पहले आपको यू लिखना है, यू आपका रहेगा, उसके बाद अंडर स्कोर, उसके बाद आपका रोल नंबर रहेगा, उसके बाद अंडर स्कोर आपका जो पेपर कोड है वो रहेगा। ये देख लीजिए ऐसे आपको जो फाइल नेम डालेंगे, रीनेम फाइल कर लेंगे वहाँ पर, अगर आपका कोई और नाम दिया जाए तो रीनेम फाइल करेंगे जो पीडीएफ रहेगी, तो उसमें आपको ऐसे ही नाम डालना है। यू तो सबको लिखना है, उसके बाद आपका जो रोल नंबर है उसको लिखना है और पेपर कोड है आपको उसको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका फाइल का नेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फॉर अपलोडिंग द पीडीएफ फाइल, अब आपको पीडीएफ फाइल जो आपने बना ली है स्कैन कर लिया होगा इससे पहले सीरियल में आपके, उसके बाद आपने उसका नाम चेंज कर लिया होगा, जो नाम मैंने बताया ऐसे आपको नाम दिया होगा, उसके बाद आपने उसको अपलोड करने की बारी आ गई। आपको अपलोड करने से पहले आपने पीडीएफ बना ली होगी, अब द स्टूडेंट हैज़ टू ओपन द लिंक, जो आपको लिंक दिया गया वो यहाँ से अपलोड करने वाला है, ये देख लीजिए यहाँ से आपको इसी जो मैंने जहाँ से आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया उसी साइट में आप यहाँ से देख लीजिए, इस साइट से आप जाएंगे जहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ आपको लिंक दिया रहेगा, तो उस पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद देख लीजिए स्टूडेंट टू फिलअप द डिटेल्स, कुछ आपको डिटेल्स भरनी रहेंगी, ठीक है, और सबमिशन फॉर्म के लिए देर इन ब्राउज एंड सेलेक्ट द पीडीएफ फाइल, फिर वहाँ पे ब्राउज एंड सेलेक्ट का पीडीएफ फाइल का आपको ऑप्शन आएगा, उस पर आपको सबमिट कर देना है, क्लिक करके उसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है, एंड सबमिटेड एंड क्लिक द अपलोड बटन, उसके बाद क्लिक करके आपको अपलोड बटन पर आप क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगी। आगे देख लीजिए, उसके बाद आप फिनिश कर देंगे उसके बाद में। आगे देख लीजिए, एग्जामिनेशन प्रोसेस मस्ट बी पॉजिटिवली कंप्लीट विद इन 4 आवर, कह रहा है हर व्यक्ति को आपको 4 घंटे में अपना जो पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एट लीस्ट 2 PM द फर्स्ट शिफ्ट एग्जामिनेशन एंड द, कह रहा है जो पहले शिफ्ट के हैं वो 2 बजे तक कंप्लीट करें, सेकेंड शिफ्ट के 5 बजे तक आपके जो आपका एग्जाम प्रोसेस है पूरा आपका वो कंप्लीट कर लें। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, दोज स्टूडेंट हु फेल टू डू सो विल बी प्रोवाइडेड अनदर चांस ड्यूरिंग सेकेंड एग्जामिनेशन, कह रहा है जो स्टूडेंट ये पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, वो अपना ऑनलाइन एग्जाम जो है वो नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके एक और मौका दिया जाएगा, जो आपका सेकेंड एग्जामिनेशन है उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। तो जो छात्र हैं मैं तो कहूँगा आपसे कि इसी समय आपका अपना पूरा एग्जाम दे दीजिए जो भी आपको है, क्योंकि इसमें आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है, और वो आपको घर बैठे आपको आंसर लिखने हैं और सिर्फ अपलोड करना है, कुछ नहीं करना है, बस स्कैन करना है। कुछ छात्रों को स्कैन कैसे करना है कैसे अपलोड करना है उसमें आपको समस्या आ रही, अपलोड करने का मैंने आपको बता दिया, अलावा यूनिवर्सिटी की आपको एक लिंक दिया हुआ है, इसको आपको नोट कर लेना, इसी साइट में आपको जाके अपलोड करने रहेंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को स्कैन कैसे करना है, पीडीएफ फाइल कैसे बनानी, अगर आपको चाहिए तो उस पर वीडियो बना दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता सभी स्टूडेंट को पता होगा कैसे स्कैन करना है, अगर उसमें ज़्यादा स्टूडेंट चाहते हैं तभी मैं बनाऊंगा, एक दो स्टूडेंट के लिए नहीं, क्योंकि वो आप कहीं से भी देख सकते हैं। बाकी तो बाकी अगर आपको वास्तव में लगता है कि ज़्यादा लोगों की आपकी वो समस्या है कि आपको कैसे स्कैन करना है, कौन सा स्कैनर आपको डाउनलोड करना है, तो वो इसमें आपको अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो पेन यूज करेंगे आप देख सकते हैं ब्लू ब्लैक आपको पेन यूज करना है। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने एक एक पॉइंट आपको बताया अच्छे से समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ आपने जितने भी पॉइंट है सबको आपको फॉलो करना है आप जब एग्जाम देंगे, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आप क्या बुक ओपन कर सकते हैं, ये आपके हाथ में, आप चाहें तो बुक ओपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इन्होंने कहीं नहीं कहा कि आपको बुक ओपन नहीं करनी है, और ये भी नहीं कहा कहीं कि आपको बुक ओपन बुक करनी है। बाकी यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है ओपन बुक से ही आपका एग्जाम हो रहा है, जब घर बैठे आपका एग्जाम हो रहा है तो ओपन बुक ही आपका एग्जाम हो रहा है आप मान सकते हैं, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप चाहें आपको वहाँ कोई नहीं देखने वाला कि आप बुक से कर रहे हैं या अपने आप से लिख रहे हैं, तो कोशिश करिए अच्छे नंबर लाने के, जो आपको सही लगे उससे आप करिए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ आपको एग्जाम बुक खोलनी है या नहीं खोलनी है आप पर डिपेंड करता है, कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपका लेना होगी। जो फॉर्म भरेंगे उसमें देख लीजिए, फॉर्म डिटेल में आपको ये डिटेल आपको सब देनी पड़ेगी आपकी, देख सकते हैं।
चलिए तो आप पूरा टाइम टेबल देख लेते हैं, पूरा एग्जाम शेड्यूल जो है आपका यूजी के और आपका बीएलएलबी एलएलबी का जो सेमेस्टर एग्जाम होंगे, सेमेस्टर एग्जाम का एलएलबी और बीएलएलबी और यूजी के जितने कोर्स हैं उसमें एयर लिए, तो उन सबका आप पूरा शेड्यूल देख लेते हैं जो आया हुआ है। इसमें मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी आपने आप पढ़ लिया होगा, वैसे अपने अलावा शीट डाउनलोड करके एक बार फिर से देख लीजिए। जो आपका एग्जाम डेट है पूरा देख लीजिए हर एक कोर्स का, ये देख लीजिए आपका पहले शिफ्ट में आपका और सेकेंड शिफ्ट में अलग अलग पूरा बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले शिफ्ट के आपके एग्जाम इधर है, ये सब आपके पहले शिफ्ट के आपके एग्जाम है, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट के आपके इधर दिए गए हैं, इधर आपके जितने भी वो सेकेंड शिफ्ट के हैं, तो उसमें देख सकते हैं। पहले शिफ्ट में जो आपके एग्जाम हो रहा है उसमें आपका बीए थर्ड ईयर है, बीएससी थर्ड ईयर है, तो बीएससी और बीए थर्ड ईयर के आपके एग्जाम देख लीजिए। 14 सितंबर से आपका स्टार्ट है, यहाँ से देख लीजिए 14 से लेकर 25 तक ये आपके एग्जाम दिए गए, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं एक एक पेपर आपको नहीं बताऊंगा कौन सा दिन है किसका है, तो देख लीजिए। यहाँ पे 14 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो आपका यहाँ देख लीजिए, बीए वालों का ये है और बीएससी वालों का ये है, ठीक है। ऐसे ही आपको सब आपके एग्ज़ाम देख सकते हैं, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो आपके पहले और सेकेंड शिफ्ट में आपके बीए और आपके बीएससी थर्ड ईयर के आपके पहले शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सेकेंड शिफ्ट में, सॉरी माफ करिएगा, सेकेंड शिफ्ट में, पहले शिफ्ट में आपके बीए थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर का आपके एग्जाम है। सेकेंड शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे वो होंगे आपके बीकॉम थर्ड ईयर के हो रहे हैं और आपके बीएससी होम साइंस के जो आपके थर्ड ईयर के एग्जाम है वो हो रहे हैं, देख लीजिए। तो बीकॉम वाले देख लीजिए उनका पेपर स्टार्ट है, इधर देख लीजिए 14 से नहीं है और 15 से नहीं, 16 से है, तो देख लीजिए आगे यहाँ से और इधर दिए हुआ ये पेपर है आपका, ये पेपर है, ये पेपर है, ये आपके बीकॉम वाले के। बीएससी वालों का देख लीजिए उनका 14 को, आगे देख लीजिए ये पेपर है, ये पेपर है, इस तरह से आप पूरा उनका शेड्यूल देख लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, अभी तो बीए चल रहा है, बीए थर्ड ईयर वाले आगे देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में और बीएससी थर्ड ईयर वाले फर्स्ट शिफ्ट में, आगे देख लीजिए उनका एग्जाम दे रहा है और आपका कौन सा कौन कौन से सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको एग्जाम देने हैं, देख लीजिए। आगे देख लीजिए दूसरे सब्जेक्ट के आपके चेंज होके आए, देख लीजिए, तो आपके सबसे पूरा शेड्यूल देख लीजिए। मैं सिर्फ आपको जल्दी से दिखा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बता दी, शेड्यूल आपको यहाँ से देख लीजिए पूरा, ठीक है। तो बीए वाले जो अन्य बचे हुए सब्जेक्ट उनका हो रहा है, बीएससी थर्ड ईयर का हो रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब एलएलबी आपका आ गया, एलएलबी सेमेस्टर जो आपका सिक्स था उसका देख लीजिए, पहले शिफ्ट में आपका 10 से 2 के बीच में और आगे आपका बीएलएलबी का आपका सेमेस्टर जहाँ वो 1 से 5 बजे के बीच में है, तो देख लीजिए। ये देख लीजिए पेपर आपके दिए हुए 15 तारीख से स्टार्ट है आपका और आपके 21 तक आपके ख़त्म हो जाएंगे, देख सकते हैं आप 21 तक आपका एलएलबी और बीएलएलबी आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देख लीजिए आपके एग्ज़ाम दिए हुए हैं, यहाँ देख लीजिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये लाइन से देख लीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए पूरा आपको डिटेल में पूरा शेड्यूल आपको पता लग गया। चलिए तो ये था हमारा अलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आपका जो अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आपका पूरा कार्यक्रम था, मैंने आपको डिटेल में बताया, एक पॉइंट आपको मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से और आपको पूरा प्रोसेस बताया है डिटेल में। आपको उम्मीद करता हूँ सभी बातें आपको समझ में आएंगी, उन सभी को आपको फॉलो करना है और आपको एग्जाम शेड्यूल पता लग गया हो कि इस तारीख को आपका कौन सा एग्जाम हो, उसके हिसाब से आपको याद रखना है, अपना टाइम टेबल आपकी दीवार पर चिपका लीजिए, एग्जाम को मिस नहीं करना है। फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दीजिए और आपका सेकंड शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में दीजिए, ध्यान से देखिए किस शिफ्ट में है और क्वेश्चन पर भी वही डाउनलोड करिएगा जो आपका साइट से और उसी को अपलोड करिएगा, उसी का आंसर लिखेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा और जो भी डिटेल बताई गई उन सबको फॉलो करते हुए पूरा एग्जाम दीजिए। आपके लिए इंडिया आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जो भी आपके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सब में शेयर कर दीजिए। अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए इंडिया आपकी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।